हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए पोटैटो नगेट्स की रेसिपी। बहुत ही आसान है ये, स्पेशली बच्चे बहुत शौक से खाते हैं इसको। रेसिपी स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले एक बाउल ले लें, उसमें मैंने तकरीबन आधा किलो आलू ले लिए, उनको मैंने उबाल के मैश कर लिए। सारे आलू इस बाउल में डाल लें। अब मैं इसमें शामिल करूंगी कुटी हुई लाल मिर्च 1 चम्मच, नमक 1 चम्मच, मैंने इसमें नमक शामिल किया, और 1 छोटा चम्मच जो है वो मैंने इसमें काली मिर्च डाली, काली मिर्च का पाउडर, और 3 से 4 जोवे लहसुन के उसको मैंने बारीक पीस लिए, ब्रेड क्रम्स 1 प्याली, ब्रेड क्रम्स इसमें डाल दिए मैंने। अब इसमें मैं कॉर्न फ्लोर डालूंगी 2 चम्मच, ये सारा इसमें डाल दें। अब मैं इसमें मोजरेला और चेडर चीज़ डालूंगी, ये भी आधी प्याली मैंने डाल ली, इसको क्रश कर ली मैंने, और ये सारी इसमें शामिल कर लें। इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लें, हाथों के साथ अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। अब इन सारी चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी। इनको मिक्स करके फिर नगेट्स की शेप बना लूंगी मैं। इस तरह से सारे मिक्सचर को अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। सारा मिक्सचर मैंने तैयार कर लिया, और इनकी शेप बनाऊंगी मैं, नगेट्स की शेप। इस तरह से शेप बना लो, बाकी भी इस तरह से। बच्चे बहुत पसंद करते हैं इस तरह के खाने। बाहर के खाने देने से अच्छा है आप उनको घर पे ही इस तरह के खाने बना के दें। बाकी भी इसी तरह से बना लूँगी मैं। सभी नगर्स को मैंने इसी तरह से शेप दे दी है। अब एक अंडा ले लो। अंडे को तोड़ के प्लेट में डाल लें। अब इसमें मैं 2 चम्मच दूध डालूंगी। ये चम्मच छोटा है इसकी। दो चम्मच इसमें मैं दूध डालूंगी। अब इसको फेंट लें अच्छी तरह से। इसको अच्छी तरह से फेंट लें। अब इनकी मैं कोटिंग करूंगी ब्रेड क्रम्स के साथ और अंडे के साथ। अंडे में मैंने 2 चम्मच दूध शामिल कर दिया, ब्रेड क्रम्स ले लें और अंडा अंडे में डिप करें मदर को, और फिर
ब्रेड क्रम्स लगा लें इसके ऊपर। ब्रेड क्रम्स आप जितनी आपको ज़रूरत है उतने इस्तेमाल करें, एक साथ ही सारे मत डालें, ब्रेड क्रम्स ख़राब हो जाएंगे क्योंकि इसमें अंडा है, तो अंडे से इस तरह से रखते जाएं। बाकी भी इसी तरह से पहले अंडे में डिप करें और फिर ब्रेड क्रम्स लगा लें इसके ऊपर इस तरह से, और फिर साइड पे रख दें। सब को इसी तरह से इस तरह से करके सभी नगर्स को मैंने कोट कर लिए। अब इनको मैं फ्राई करूंगी। तेल को मैंने गरम कर लिया, अब मैं इसमें नगर्स डालूंगी। तेल गरम करके चूल्हे को आहिस्ता कर लें और सारे नगर्स इसमें डाल लूंगी मैं इस तरह से एक एक करके। इनको गोल्डन ब्राउन होने तक छोड़ दूंगी मैं। नगर्स गोल्डन हो चुके हैं, अब इनको मैं पलट दूंगी एक एक करके। इनको पलट दें इस तरह से, इनको मैंने पलट दिया। अब इनको मैं निकाल लूंगी एक एक करके, सबको निकाल लें। नगर्स मैंने निकाल लिए हैं, अब बाकी भी इसी तरह से तेल में डाल लें इस तरह से। नगर्स हमारे हो चुके हैं तैयार, बहुत ही मज़ेदार। क्यों ना ये स्पेशल रेसिपी बच्चों के लिए बनाई गई है, तो बच्चों को चेक करवाया जाए। तो जी आयजा को चेक करवाते हैं हम कि उसको नगर्स कैसे लगे। आयजा खा के आपको बताएगी। आयजा ने नगर्स फिनिश कर लिए। तो जी आयजा से पूछते हैं आयजा को नगर्स कैसे लगे। तो जी आयजा आपको नगर्स कैसे लगे। तो जी आयजा को नगर्स बहुत पसंद आए हैं। आई होप आपको भी नगर्स बहुत पसंद आए होंगे, मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी आपको। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपको मिले। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।